अच्छा जी, रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए हैं, खाना वगैरह खाया और यहाँ से जो व्यू नजर आता है वो कमाल का है। ये देखिए जी, माशाल्लाह, सामने बिल्कुल आपको रोजा नजर आ रहा है, ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा जी, आपने मेरे होटल के रूम से व्यू देखा। अभी मैं उस शाहराह के ऊपर आ चुका हूँ जहाँ पर पीछे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोजा है। मशी करने के बाद सीधा करबला मोहल्ला के अंदर मैं पहुंच चुका हूँ। आप लोग बहुत सारे कहते हैं कि यार वीडियोस बहुत लेट आती हैं, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना वीडियो जल्दी भेज दी जाए, लेकिन उस तरह की क्वालिटी वाली वीडियोस आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि ये जल्दी में एडिटिंग करनी पड़ती है। वाली वीडियो इंशाल्लाह हम सीरीज वाइज बनाएंगे, वो आपको हम कुछ दिन तक दिखाएंगे। अभी कुछ सऊदी अरब की वीडियोस पड़ी हैं, उनके बाद वो वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिलहाल मैं करबला मोहल्ला के अंदर हूँ। करबला मोहल्ला के इर्द गिर्द किस तरह का व्यू रहता है वो आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर किस तरह लंगर न्याज चलती है। अभी कोई 12 से 13 सफर वाले दिन यहाँ पर किस तरह के मनाजिर आपको देखने को मिलते हैं ये दिखाने वाला हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। फिर हरम के अंदर चलते हैं, वो आपको दिखाते हैं मंजर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोजा और गाजी अब्बास अलमदार का रोजा। ये रोड किनारे बहुत से मौकिफ बने हुए हैं, मौकिफ के अंदर आपको खाना पीना रिहायश मतलब सब कुछ अवेलेबल मिलेगी। यहाँ पर फिलहाल ये जूस बना रहे हैं, माशाल्लाह ये देखिए। ये जी बुला रहे हैं, ऐजाए आ जाओ इधर हमारे पास कुछ खा लो। देखते हैं यहाँ पर क्या तकसीम किया जा रहा है। यहाँ पर मेरे ख्याल में कोई मिठाई बांटी बनाई हुई है, ये वो तकसीम कर रहे हैं। ये देखिए मेहरबान। अच्छा जी देखें, इस साइड पे देखें आपको हजारों की तादाद में लोग नजर आते हैं, और इस साइड पे देखें तब भी आपको हजारों की तादाद में लोग नजर आते हैं। अच्छा जी, इस साइड पे देखें सीखी कबाब बनाए जा रहे हैं, माशाअल्लाह। ज़ाहिर है इमाम हुसैन के लिए, रोटियों के अंदर पैक करके उन्हें फिर आगे की तरफ ज़ायरीन के अंदर तकसीम कर दिया जाएगा, माशाअल्लाह। आप इधर देखें तो मौकिब नज़र आएंगे, इधर देखें तो मौकिब नज़र आएंगे, मतलब आपको लंगर न्याज का बेबहार यहाँ पर इंतज़ाम भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद भी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा जी, यहाँ पर देखें शौरमा बनाया जा रहा है, माशाअल्लाह। ये देखें इस साइड पे देखें बड़े बड़े शौरमे लगे हुए हैं, उनको फिर काट के यहाँ पर लाया जाता है और इन्हें फिर रोटियों के अंदर पैक किया जाता है। रोटियों के अंदर पैक करने के बाद फिर ये भाईजान ये सब के हाथ में देते जा रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह। अच्छा जी, ये देखें ये वेजिटेबल वाला शौरमा बनाया जा रहा है, माशाल्लाह। इस तरह का वेजिटेबल वाला शौरमा भी बनाया जाता है जो ज़ायरीन के अंदर तकसीम किया जाता है। अच्छा जी, बैनुल हरमैन के अंदर पहुंच चुके हैं। करबला का वो मंजर जहां पर एक साइड पे इमाम हुसैन का रोज़ा और दूसरी साइड पे गाजी अब्बास सलमदार का रोज़ा है, उसे बैनुल हरमैन कहा जाता है। तो वहां पर पहुंच चुके हैं करबला के। यही वो करबला है जहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया, यही वो करबला है जहाँ पर गाजी अब्बास के बाजू कलम हुए, यही वो करबला है जिसे अली अकबर के सीने में बर्छी लगी, यही वो करबला है जहाँ बीबी जैनब की चादर खींची गई, यही वो करबला है बीबी सकीना को तमाचे मारे गए। तो ये वो करबला है, इसके मनाजिर दिखाता हूँ, अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको जियारत करवाता हूँ। और कब्जे में कर ली लोरियों में ये सच्ची कहानी, रोज इसको सुनाओ।
अब बहन पास होगी न भाई, बात इतनी सी बस याद रखना, मेरी बच्ची है गम की सताई, तुमने बाजार में तो सताया, अब न इसको सताओगी तुम, जब कभी कैद खाने में आना, बेरदाबी बियों को न लाना, तुमको अच्छी भी देगा दुआए, उसकी तन्हाइयों बड़ा अरमान तेनों कफन पवाना सकी, यतीम के मेले आदिरियां तमाम रात न दे अली सुना दीरियां, मैं तेरी लाश ते तायों हुसैन आना सकी, तेरे तो बाद नहीं नानी खैमे साड़े ने, तेरी सकीना नु जालिम तमाचे मारे, मैं तेरी लाडली नुशम रितों छुड़ा ना सकी, बड़ा ये वो जगह है जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ से उंगली को काट कर अंगूठी को उतारा गया। आज यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं और अंगूठियां फेंकते हैं। जदों विग गया सजाद में उठा ना सकी, बड़ा अरमान तेनू कफन पवा ना सकी, शहीद कर बना ना सकी।